हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज हम हैं मेरे टेरेस पे और आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो वाकई ही टेरेस टू टेबल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ हार्वेस्ट करेंगे, उसे नेचर लेके जाएंगे और उससे एक बढ़िया सी रेसिपी बनाएंगे। तो अगर आपने मेरी मानसून सीरीज देखी होगी तो हमने काफ़ी सब्जियाँ लगाई थी उसमें से एक सब्जी अब हम हार्वेस्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़ चुकी है। तो चलिए फटाफट से सब्जी हार्वेस्ट करते हैं और उसकी एक रेसिपी बनाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं लॉन्ग गॉड। ये देखिए क्या बढ़िया बढ़ चुका है, और ये देखिए यहाँ पे एक और लग चुका है और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, और ये देखिए कितना हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया आ चुका है। एक बाहर की तरफ भी है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे भी एक लग चुका है, ये देखिए। तो आज हम हार्वेस्ट करेंगे और इसकी रेसिपी भी बनाएंगे, और ये देखिए कितना बड़ा है, वाओ। आप टेरेस पे भी इतनी बढ़िया सब्जी उगा सकते हैं। सो ये देखिए, चलिए इसे हार्वेस्ट करते हैं। तो मैं इस तरह से ट्विस्ट करके इसको निकाल रही हूँ और ये देखिए एकदम आसानी से निकल चुका है, और ये देखिए कितना बड़ा है। वाओ, आज के ये जो लॉन्गगॉड है ना, यानी कि पडवर, वो करीब करीब 3.5 से 4 फुट जितने लंबे हैं। तो देखिए कंटेनर गार्डनिंग में भी हमने कितने बढ़िया से ग्रो कर लिए हैं, है ना, बढ़िया एकदम। देखिए कितने बढ़िया लग चुके हैं ये। चलिए अब इसे हम किचन की तरफ लेकर आते हैं, और मुझे लगा था ये 1 किलो होंगे, लेकिन ये 1 किलो के भी ऊपर है, यानी कि 200-250 ग्राम ऊपर है। तो बहुत बढ़िया हार्वेस्ट मिला, मैं तो बड़ी खुश हुई इस हार्वेस्ट से। हमने छोटी छोटी सीड्स से लगाया था। तो आज की रेसिपी के लिए मैं इसमें से 600 ग्राम ले रही हूँ, बाकी का जो है वो हम बाकी दूसरी कोई रेसिपी करने के लिए रख देंगे। तो आप 600 ग्राम के हिसाब से सारे जो मेरे इन्ग्रीडियंट्स हैं वो होंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, और फिर इसकी जो स्किन है वो मैं निकाल रही हूँ। तो ये हालांकि बहुत पतली होती है, पर मैं निकाल रही हूँ। और अब इसके एंड्स जो है वो हमें काट लेने हैं, और उसके बाद में इसे हम काटेंगे बीच में से भी। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से बीच में से काटेंगे। ये देखिए इसमें ना कोई बीज नहीं है, और ये ना ऑर्गेनिकली हम ग्रो करते हैं ना, जब तब ये होता है कि हम बहुत बढ़िया सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। एक छोटी सी बीज से हमने इसे ग्रो किया है और बहुत अच्छा यील्ड मिला हमें, और ऐसी ढेर सारी सब्जियां हम हार्वेस्ट करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। तो इस तरह से मैंने काट लिए सारी सब्जी, लेकिन अगर आपका जो लॉन्ग गॉड है वो बड़ा हो तो उसको फिर से आप बीच में एक बार काट लीजिए और फिर उसके टुकड़े कीजिए। तो इस तरह से हम सारा ही काट लेंगे और फिर उसकी हम सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल ले लिया है, जिसमें मैंने एक मीडियम प्याज को बारीक काट लिया है, और वो हम उसमें सोते कर लेंगे। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट करना है, ज़्यादा नहीं हमें उसे पकाना। अब यहाँ ले लिए है मैंने कड़वे वाल, यानी फावा बीन्स जिसे कहते हैं, उसे मैंने स्प्राउट करके छील का निकाल लिया है उसका। ये आपको कैसे करना है अगर देखना होगा तो मैंने वाला सब विरडा करके एक रेसिपी डाली है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने 1/3 कप वाल लिए है, उसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने बना के रखा था, उसमें से 1 टीस्पून मैंने डाला है। नमक हम लोग स्वादानुसार डालेंगे, और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे यानी सोते करेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के हमें ये जो वाल है उन्हें पहले पका लेना है। तो इस तरह से प्लेट पर पानी रख के मैं इसे पका रही हूँ 7 से 8 मिनट के बाद। आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं पके तो दोबारा थोड़ा पकाइए, अगर पक चुके हैं तो हम आगे सब्जी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं भी चेक कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने एक निकाल के देखा और मेरा जो है वाल वो एकदम बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब इसमें जाएगा जीरे का पाउडर, धनिए का पाउडर, साथ ही हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। इसके जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो कैप्शन में मिल जाएगी, यानी आपको नीचे वीडियो में दिख जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्जी जो हमने काटी हुई थी वो, और उसे भी हमें एकदम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है, यानी जो मसाला हमने बनाया ना उसको इस सब्जी पे कोट कर लेना है। फटाफट से बनने वाली सब्जी है,
बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर ऐसे हमने जैसे आज निकाला पड़वर या लौंगोट जो भी हम कहें, और उसे एकदम तुरंत ही किचन में लाके पकाने लग गए ना, तो क्या ही बात है, ये बहुत ही बढ़िया बनती है। अब इस पे मैं प्लेट रख के उसे पका रही हूँ 4 से 5 मिनट बाद। एक बार खोल के देखना है, नमक की ज़रूरत पड़े तो नमक डाल दीजिए और फिर इसे पका लीजिए। फिर से आपको इस पे एक ढक्कन रख के ही आपको पकाना है। तो ये देखिए, नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया सब्जी में, और फिर हम इसे और थोड़ा पकाएंगे क्योंकि सब्जी अभी तक पकी नहीं है। अब इस तरह से मैं फिर से इस पे प्लेट रख के पका रही हूँ। 4 से 5 मिनट बाद पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया पक चुकी है, और ये ऑर्गेनिकली ग्रो की हुई है तो ये फटाफट से पक भी जाती है। अब गैस बंद कर देंगे, निकाल लेंगे और उस पे धनिया के पत्ते डालेंगे और ये सर्व करेंगे। और ऐसी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए।